हिमाचल की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है और जानेंगे आज इस वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश ने क्या फैसला लिया है। सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें टीचर्स की नियुक्तियां 100% बस कैपेसिटी चलेगी। जानेंगे इस वीडियो में किराए के ऊपर बड़ा ऐलान हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है और अब आपको अपनी जेब भी हल्की करनी पड़ेगी। जानेंगे इस वीडियो में क्या है कारण और पैन कार्ड अगर आपने रखा है तो उस पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और कोरोना से जुड़ी हुई 92 साल की बुज़ुर्ग ने करामाती कोरोना को अब मात दे दी है। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है तो जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए खबरें विस्तार में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज मीटिंग थी और उसमें बड़े फैसले लिए गए। आपको फैसले संक्षेप में बताते हैं। 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद पीटीए पैरा और पैट अध्यापकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और जहां पर चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई थी और अब सरकार ने मीटिंग में फैसला लिया है कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब अगली बड़ी बात खबर जो निकल के आ रही है, अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी, यानी कि अब फुल बस में आप कहीं पर भी बैठ कर जा सकते हैं। बस में खड़े होकर अब सफ़र नहीं किया जा सकेगा। कैबिनेट ने बस किराया नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। किराए के ऊपर जो अटकलें चल रही थी उस पर आज विराम लग गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बस किराया को बढ़ाने का को मना कर दिया है। अब सरकार कोई भी बस किराए को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी और फैसला दे दिया है कि अब किराया नहीं बढ़ेगा। अब राज्य से बाहर अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो अब आपको जेब हल्की करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि अब वो जितनी भी कीमत की आप गाड़ी खरीदेंगे उस पर 2% सरकार को कर देना होगा। वहीं मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ा दिया गया है। आम को भी 1.5 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। सरकार को मिला था बड़ा राजस्व। जानते हैं अगली बड़ी खबरें जो निकल के आ रही हैं। वो निकल के आ रही है 92 साल की बुज़ुर्ग महिला ने कोरोना को दी है मात और जानते हैं ये खबर कहां से निकल के आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 92 साल की बुज़ुर्ग ने कोरोना को मात दी है जिनकी फॉलोअप रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। CMO ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि जिला में अब तक कुल 99 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 70 लोग रिकवर हो चुके हैं जबकि 29 एक्टिव केस शेष बचे हैं। वही 3 माइग्रेटेड पॉजिटिव मरीज भी ऊना आए थे जो कि सभी नेगेटिव पाए गए हैं। खबर निकल के आ रही है ऊना जिले से। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को टांडा मेडिकल कॉलेज से ऊना कोविड सैंपल की जांच रिपोर्ट में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। वहीं 11 संक्रमित मरीजों का फॉलोअप जांच की कोरोना पर जीत पाई। कोरोना की जीत पाने पे वहीं बंगाणा क्षेत्र की 92 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने भी कोरोना को मात दे दी और ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है ऊना जिले से। वहीं अगली बड़ी खबर के ऊपर डालते हैं, अगर आपने पैन कार्ड रखा हुआ है तो जल्दी से उसे आधार कार्ड के साथ लिंक करवा ले, नहीं तो 30 जून के बाद आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने पहले ही ये चीज़ करवा ली होगी लेकिन उनके लिए ये खबर है जिन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ अटैच नहीं करवाया है तो उनको 30 जून के बाद 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो जल्द से जल्द आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड से जाकर लिंक करवाएं। वहीं आने वाली खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।